Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am present here for discussing about environment and public health for class 7 life science. Now X-ray. What do you mean by X-ray? X-ray is used to take photograph of wounded or diseased internal organs. इंटरनल ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन बाहर से दिखाई नहीं देता है उस ऑर्गन को कुछ वुंड होगा मतलब इंज्योर्ड होगा या कुछ डिजीज होगा तो उसको देखने के लिए क्या करना चाहिए एक्सरे करना चाहिए. कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू दिस लाइट कैन अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ ए सेल. तो बॉडी के अंदर क्या है सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. तो कॉन्टिन्यूस जो एक्सरे करने के लिए जो लाइट यूज होता है वो लाइट यूज करने से क्या होता है सेल का जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है. दीज ऑल्सो कैन डिस्ट्रॉय द सेल. और ये लाइट का पावर इतना ज्यादा है कि सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है नष्ट कर देता है. द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन. अलग अलग ऑर्गन में कैसा इफेक्ट होता है जैसे इसोफेगस. इसोफेगस में क्या इफेक्ट होता है टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग होता है उल्टी हो जाता है. डायरिया होता है. डायरिया मतलब लूज मोशन. लंग में क्या इफेक्ट होता है ब्रीदिंग ट्रबल. लंग के द्वारा हम सब क्या करता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है मतलब ब्रीदिंग सिस्टम चालू है लंग के द्वारा. तो लंग में जब प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्रीदिंग सिस्टम में ट्रैवल हो जाता है सांस लेने में तकलीफ होता है और कैंसर भी हो सकता है. बोन मैरो. बोन मैरो में क्या फंक्शन होता है इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. ब्लड सेल फॉर्मेशन में बोन मैरो हेल्प करता है. तो बोन मैरो अफेक्टेड हो जाता है तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है इम्प्रॉपर हो जाता है. हेमरेज होता है. हेमरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है. कैंसर भी हो सकता है. नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर्स कॉजिंग डिजीज इन प्रोफेशनल फील्ड. कुछ कुछ प्रोफेशनल फील्ड और प्रोफेशनल काम करने से क्या क्या बीमारी होता है सिम्टम बट डिजीज. इसका सिम्टम क्या है जैसे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करने से क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है नर्वस सिस्टम में डिजॉर्डर हो जाता है. हीट जो हीट में काम करता है उसका क्या होता है बर्न जल सकता है. स्किन डिजीज हो सकता है स्किन के ऊपर जो डिजीज होता है. कैंसर भी हो सकता है स्किन कैंसर जल सकता है. कोल्ड ठंडा. ठंडा में फ्रॉस्ट बाइट. फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे ज़्यादा ठंडा में जो बर्फ बन जाता है उसमें क्या होता है स्किन के ऊपर लगेगा तो स्किन में थोड़ा जलन सा होता है इसे कहता है फ्रॉस्ट बाइट. फीवर होता है. बुखार हो सकता है और सर्दी भी हो सकता है. साउंड. साउंड ज्यादा आवाज से क्या होता है साउंड पॉल्यूशन हो जाता है उसमें डीफनेस मतलब सुनाई कम देता है. हेडेक हो जाता है. माथा में दर्द होता है. रेडियोएक्टिव एलिमेंट. रेडियोएक्टिव एलिमेंट में क्या होता है एनीमिया हो सकता है कैंसर भी हो सकता है. तो ये सब होते प्रोफेशनल फील्ड और उसका जो डिजीज है उसका जो डिजीज का जो सिम्टम्स है. हावे डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सरे एंड सम प्रोफेशनल फील्ड एंड देयर इफेक्ट्स एंड डिजीज. नाउ इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.